नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव वर्मा, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो खूनी बवासीर के विषय में बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहे थे और फ़ोन आ रहे थे कि आप एक खूनी बवासीर के विषय में एक वीडियो बनाएं, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। दोस्तों, बवासीर दो प्रकार के होते हैं, एक बादी बवासीर, दूसरा जिसमें कि मस्से हो जाते हैं, और दूसरा जो है वो खूनी बवासीर जिसमें कि ब्लड आते हैं। तो बवासीर होने का मुख्य कारण जो है कंस्टिपेशन है। कंस्टिपेशन के वजह से अगर लंबे समय से आपको कंस्टिपेशन है तो ये बीमारी होने की ज़्यादा संभावना है। इसके वजह से रेक्टम पर जो प्रेशर पड़ता है, इसके वजह से वहाँ की नसें जो हैं फूल जाती हैं और लटक जाती हैं, इसके कारण बवासीर हो जाते हैं, जिसे बवासीर कहते हैं। दूसरा कारण जो है प्रेगनेंसी के समय भी आजकल काफ़ी देखने को इसकी शिकायत मिल रही है कि बवासीर हो गए। दोस्तों, इसकी लक्षण जो हैं शौच के समय जाते पर वहाँ पर मल के साथ ब्लड आते हैं, लाल ब्राइट ब्लड इसके साथ रिसाव होता है। दूसरा है रेक्टम के पास जो है वहाँ पर सूजन हो जाती हैं और उसमें काफ़ी दर्द होती हैं, रेडनेस हो जाती हैं वहाँ पर। दूसरा तीसरा कारण उसमें वहाँ पर रेक्टम के पास इचिंग होगी, खुजली लगेगी। शौच के समय उसमें पेन भी होगा और शौच के बाद भी पेन होने लगता है। ज़्यादा अगर खून अगर निकल आया, इसके वजह से वहाँ मैंने कि आपको एनीमिया का भी शिकायत हो सकता है। दूसरा, आप वहाँ पर इन्फेक्शन होने के वजह से भी दिक्कत आ सकती हैं। तीसरा जो है उसमें सबसे बड़ा कारण यह है, बहुत सारे लोगों में देखा गया कि कंस्टिपेशन के वजह से फेस्टुला भी हो जाते हैं। फेस्टुला का वीडियो दोस्तों मैं बाद में बनाऊंगा। और इस खूनी बवासीर के लिए जो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उनको मैं सबसे पहले अपने क्लिनिक में नक्स भूमिका 200 देता हूँ। इसे 4 बूंद रोज 3 रात में सोने समय लेने को बोलता हूँ, सिर्फ रात में 4 बूंद सोने समय, ठीक है। दूसरी दवा सल्फर 1 mg शक्ति की 4 बूंद सप्ताह में 1 बार लेने को देता हूँ, ठीक है। तीसरी दवा स्कुलरशिप, ये देख लें आप, स्कुलरशिप है, और इसे मैं 4 बूंद सुबह और शाम प्रतिदिन लेने को बोलता हूँ। चौथी दवा जो है हेमामेलिस क्यू, इसकी जो मैंने हेमामेलिस क्यू है और इसे जो मैं 20 बूंद सुबह दोपहर शाम रात 4 टाइम इनको लेने के लिए देता हूँ, आधे कप पानी के साथ। और ये जो है पांचवी दवा जो है एक कैलेंडुला क्यू है, जिसे कि मैं एक ढक्कन एक बड़े से टप में गर्म पानी में डालकर, इस ढक्कन से डाल करके और गर्म पानी में डाल करके कुछ देरों तक 15 से 20 मिनट बैठने के लिए बोलता हूँ। इससे करने से काफ़ी जल्दी रिलीफ मिल जाती है, दर्द चुभन वगैरह जो भी है वो सारे दूर हो जाते हैं और इसके साथ ब्लड भी आना बंद हो जाते हैं। इस तरह के पेशेंट अगर दवाई यूज करते हैं तो इनको दवाई कुछ दिनों तक करना चाहिए, कम से कम 3 से 4 महीना। दोस्तों, मेरा आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर भी अपने मित्रों को करेंगे और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देंगे कि जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। धन्यवाद।